ये हटा दे क्या लोगो हटा दे आ जाएगा सब आ जाएगा लोगो हटा दो यार मुझे कम है अच्छा ना ना अच्छे बेट भाई भाई ये हाँ भाई अब क्यों हम सिंध के लोग पुरअमन लोग हैं पाकिस्तान के लोग पुरअमन लोग हैं मोहब्बत करने वाले लोग हैं बराबरी रवादारी अमन चाहने वाले लोग हैं मगर हमें सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब पाकिस्तान की इक्तदारी सियासत के मफादात के लिए सिंध की सरजमीन को और सिंध के अमन को और सिंध के मुस्तकबिल को दाव पे लगाया जाता है यानी पाकिस्तान में जो इक्तदारी लेते हो जो इक्तदारी अरेंजमेंट्स हो उसमें न पंजाब का जिक्र हो कि पंजाब में क्या होगा इक्तदार किसके दरमियान मुआहदा होगा न केपीके का जिक्र हो न बलूचिस्तान का जिक्र हो ले देकर सबको छोड़कर आखिर में दाव पर सिंध लगे सिंध कोई वट्टे सट्टे का जरिया है जिसको सिंध में बदे की सगावती कहा जाता है कि एवजे में सिंध दो और इक्तदार ले लो सिंध को पेश करो प्लेट में सजा के और इक्तदार हासिल कर लो कोई सिंध हमने सिंध के लोगों ने 7 करोड़ लोगों ने अपने आप को कोई गुलामी में दे दिया है सिंध के वडेरों के कि वो जब अपने मफादात हासिल करना चाहें तब तश्तरी में सजा के हमें पेश कर दी 88 में हमें पेश किया गया 90 में हमें पेश किया गया हमें 93 में पेश किया गया हमें 97-98 में पेश किया गया मुशर्रफ साहब आए उन्होंने हमें पेश किया एवजे में वट्टे सट्टे में जो भी इक्तदार में आता है वो सिंध के वसाइल का सौदा करता है हम अमन पसंद हैं जमहूरियत पसंद है आइन पसंद है हमें कोई तकलीफ नहीं कि इमरान खान हुकूमत में आए या नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए या जरदारी साहब हुकूमत में आए क्योंकि हमारे लिए इन तीनों के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान थे तब भी सिंध को कुछ नहीं मिला न सिंध को रोजगार मिला न कोई इंडस्ट्रियल जोन मिला न सिंध के लोगों के जजायर पर कब्जे की साजिशें खत्म की गई न सिंध के तख्तगाह कराची में नादरा के जरिए अफगानियों को आबाद करने के मंसूबे से वो पीछे हटे वो सारी चीजें उस दौर में की जाती रही उससे पहले नवाज शरीफ साहब का दौर था सिंध को कुछ नहीं मिला सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिला इमरान खान साहब नवाज शरीफ और जरदारी साहब की तीनों माजी की हुकूमतों में चश्मा जहलम लिंक तोंसा पंजनद पानी पे डाके बरकरार रहे सिंध के हिस्से को पानी आज सिंध की जरा तबाह हो चुकी है हमें एमक्यूएम पे कोई एतराज नहीं हमें पीपुल्स पार्टी पे कोई एतराज नहीं वफाक में जाओ वजारते लो माल बनाओ पाकिस्तान के वसायल लूटो बाहर भेजो उस पे एतराज हमसे ज्यादा होना चाहिए पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के आवाम को कि पाकिस्तान लूटे जाए वफाकी हुकूमतों में मगर जब आप टेबल सिंध पेश करते हैं तो हमें तकलीफ होती है एमक्यूएम आप में से बहुत से दोस्त उर्दू बोलने वाले हैं तो उसका मकसद ये थोड़ी है कि हम सब बैठे हम सिंधी बोलने वाले हैं तो उसका मकसद ये थोड़ी है कि हम पीपुल्स पार्टी हैं पीपुल्स पार्टी अलग है सिंध अलग है एमक्यूएम अलग है उर्दू बोलने वाले अलग है एमक्यूएम के दौर में सबसे ज्यादा जबर और जुल्म सिंधियों पश्तूनों पे नहीं हुआ सबसे ज्यादा जुल्म और जबर उर्दू बोलने वाले भाइयों पे हुआ उनको याद होगा दौर जो गलियों में जोनल इंचार्ज और सेक्टर इंचार्जेस के हवाले और यूनिट इंचार्जेस के हवाले उनकी जिंदगी का जीना मरना कैसे बना दिया गया था अजीमुद्दीन तारिक को ठारू शाह का रहने वाला सिंधी नहीं था डॉक्टर इमरान फारूक को छाछरों का रहने वाला सिंधी नहीं था हकीम सईद कोई कड़ियो गवर या कड़ी खैरों का सिंधी नहीं था सलाहुद्दीन कोई वारह का और कुंभ का
और खिपरे का सिंधी बोलने वाला नहीं था, मुनवर सौर बोर्दी सिंधी बोलने वाला नहीं था, ये सब लोग उर्दू बोलने वाले माओं के बच्चे थे जिनको मार दिया गया। कराची को 25 साल इख्तदार में जिस तरह तबाह किया गया उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर करोड़ों की आबादी वाला उसको इस तरह लूट लिया जाए कि साइन बोर्ड गिरे और सैकड़ों दर्जनों लोग मर जाएं। कराची में न ड्रेनेज है, हैदराबाद में एमक्यूएम सबसे ज्यादा वोट कहां से लेती थी? लतीफाबाद से, परेटाबाद से, लियाकत कॉलोनी से। लियाकत कॉलोनी, परेटाबाद और लतीफाबाद और किले और आसपास के इलाकों में न ड्रेनेज है, न पीने का साफ पानी है। 25 साल हुक्मरानी की है, 25 साल हुकूमत करके इक्तदार, वफाक, सूबे छोड़ो, 25 साल आपके पास सूबा भी, आपके पास वफाक भी, आपके पास नाजम भी, आपके पास काउंसलर्स भी, आपके पास ब्यूरोक्रेसी भी, आपके पास तमाम लोग, और उसके बावजूद आपने 25 साल सिंधियों को छोड़े उर्दू बोलने वालों को क्या दिया? पीपल्स पार्टी ने सिंधी बोलने वालों को क्या दिया? मैं मियां नवाज शरीफ साहब से और मियां शहबाज शरीफ साहब से मुखातिब हूं। मरियम नवाज साहिबा हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, हम इमरान साहब को भी भाई समझते हैं, हम जरदारी साहब की भी इज्जत करते हैं सियासी एक शख्स पार्टी के लीडर की हैसियत से, बिलावल भुट्टो जरदारी की भी इज्जत करते हैं। हम गाली गलोच इस्तेमाल करने वाले और जबान दराजी और इंतहा पसंद की बातें करने वाले लोग नहीं है। ये नया कल्चर पाकिस्तान में पैदा किया है 5-7 साल से कि गालियां दो सबको। हम उनकी इज्जत करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं, उनके करप्शन पे, उनके गवर्नेंस पे हमें एतराज हो सकते हैं और हैं। हम उनसे मुखातिब हैं मियां साहब से कि भाई ठीक है आप वफाकी हुकूमत आए, आइन की बालादस्ती रखें, हमें आपसे तवक्का है। शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे, उन्होंने डिलीवर किया था, हमें इमरान खान साहब से भी तवक्का थी कि वो सिंध को डिलीवर करेंगे। आप डिलीवर करें, आप काम करें, आप तश्तरी में सजा के सिंध पेश कर रहे हैं और नए यूनिट्स की बात की आपने मुआहदे में। क्या नए यूनिट? कौन से नए यूनिट? 22 करोड़ वाला यूपी आबाद है, उत्तर प्रदेश भारत में 22 करोड़ आबादी है, 12 करोड़ आबादी है महाराष्ट्र की, गोंगडांग की आबादी है 11 करोड़, शेडांग की आबादी है 10 करोड़ चीन के सूबों की, बिहार की आबादी है 10 करोड़, वेस्ट बंगाल की आबादी है 9 करोड़। 6.5-7 करोड़ वाले सिंध पे आप तकबीर फेरने के लिए, जबा करने के लिए आप बात कर रहे हैं कि हम नए यूनिट्स बनाएंगे। आपको ये अख्तियार किसने दिया? पीपुल्स पार्टी को ये अख्तियार किसने? पीपुल्स पार्टी इलेक्शन इस मैंडेट के लिए लड़ी थी, उसने ये मैंडेट मांगा था कि हम सिंध के लोगों मुझे वोट दो, हम सिंध को तकसीम करने के मुआहदे करेंगे। और दूसरी बात कि हम तो चाहते हैं मेरिट पे उर्दू स्पीकिंग आए, हमें क्या तकलीफ है? हमें तकलीफ, आप कभी मेरे मुंह से सुना है कि फला जिले का एसपी या डीसी या फला सेक्रेटरी उर्दू बोलने वाला या पंजाबी बोलने वाला क्यों है? बंगेश बैठा हुआ है ना, एसएसपी रहा है, पर कोई एतराज है? खालिद ये सदोजई साहब बैठे हुए हैदराबाद में, कभी हमारे मुंह से सुना है कि ये पंजाबी, पश्तून, सिंधी, बलोच, फला ये उर्दू क्यों है? हम कहते हैं मेरिट पे जो है। मगर मेरिट पे सिंध असेंबली, सिंध की गवर्नेंस करने वाले मेरिट पे चुने ना, आप एवजे में देंगे कि हम, आप हमें 6 वोट दें, हम आपको गवर्नर देंगे, हम आपको स्पीकरशिप देंगे, हम आपको वजारतें देंगे, हम आपको डीसीशिप देंगे, हम आपको चीफ सेक्रेटरी देंगे, हम पब्लिक सर्विस कमीशन की मुलाजमतें देंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन देंगे, हम इसे रद्द कर दें। सिंध के लोग कबूल नहीं करेंगे गवर्नर हाउस का और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का और सिंध सेक्रेटरीट का कब्जा दोबारा दहशतगर्दों के हवाले हो, हम इसको रद्द कर दें। मैं कॉल दे रहा हूं सिंध के लोगों को कि आप देखें कि पीपुल्स पार्टी आपके साथ क्या हशर कर रही है। मैं उन मजहबी जमातों से भी मुखातिब हूं जो सिंध के लिए बड़े नारे लगाती हैं मगर आखिर में आके वो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के गुफ्तगुशनीत और मुआहदों में पार्टी बन जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं पाकिस्तान की अदालतों से कि आप इख्तियार देना चाहते हैं कि सिंध तश्तरी में बंदाक पेश कर दिया जाए और सिंध के हवाले से ये क्या वायोलेशन नहीं है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की कि मेरिट के बजाय कहा जाए कि स्पीकर फला पार्टी का होगा, गवर्नर फला पार्टी का होगा? मेरिट पे आए ना, लोग इलेक्ट करें, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली में तो लोग इलेक्ट करते हैं ना, फला स्पीकर हो, फला गवर्नर, हम फला को देंगे। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या गवर्नर कोई रिश्वत की पोस्ट है? गवर्नर फला को देंगे, ये तो आईनी पोस्ट है ना। पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट पे होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी मेरिट पे होना चाहिए या आप इसको किसी को पेश करेंगे? इसलिए हम कहते हैं गवर्नर सिंध, अगर सिंध उर्दू बोलने वाला हमारा भाई हो हमें कोई तकलीफ नहीं, अगर डॉक्टर अदीब रिजवी गवर्नर हो हम खुश होंगे, हम उस पर मिठाइयां बांटेंगे। आप डॉक्टर अदीब रिजवी को गवर्नर कर दें, आप कर दें सादका सलाउद्दीन, अनीस हारून, करामत अली, ताज हैदर, इनको कर दें आप माजिदा रिजवी,
आप करें इनको जस्टिस वजीउद्दीन, आप करें जस्टिस नासिर असलम जाहिद, आप करें इनको गवर्नर, आप उनको ले आए, हम खुश होंगे, हम चश्मे भर रहा होंगे कि ये लोग आ गए, अच्छे लोग हैं। आप गवर्नर हाउस को फिर दहशतगर्दी का मरकज बनाना चाह रहे हैं कि गवर्नर हाउस में फिर दहशतगर्द आके छुपे, जिस तरह कराची में जियाउद्दीन हॉस्पिटल में दहशतगर्दों को पनाह दी जाती थी, उनके लिए वो पनाहगाह बनी हुई थी, आप इस तरह गवर्नर हाउस को बनाना चाह रहे हैं, हम इसको रद्द कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, हम इसको रद्द कर दें। मैं शायद खाकान अब्बासी साहब से भी मुखातिब हूँ, शायद खाकान अब्बासी साहब आप वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, चीचों की भट्टिया के और चिन्योट के और जुंगशाही के या आप खुजदार के वजीर आजम नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम थे। आप कह रहे हैं कि सिंध में इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए, आपको किसने अख्तियार दिया? हमने मुझे कभी देखा है कि मैं सियालकोट में आके कहूं कि सियालकोट को यूं कर दो, मैं आके कहूं एबटाबाद को यूं कर दो, मैं आके कहूं पिशावर को यूं कर दो? हम तो कहते हैं ये वहां के अवाम का अख्तियार है। तो आप ये ज्यादती कर रहे हैं सिंध के साथ, हम इसको रद्द करते हैं। मैं पाकिस्तान के लोगों से और सिंध के लोगों से मुतालबा कर रहा हूं और अपील कर रहा हूं कि सिंध के साथ होने वाली इस ज्यादती पर आप आवाज बुलंद करें। ये सिंध के सारे हमारे भाई दोस्त बहने ये सब हमारे साथ हैं, पूरा सिंध में कल से मुजाहरे शुरू हुए, परसों से, हम सिंध में खामोश होकर नहीं बैठेंगे। हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो जरूरत पड़ने पर हम सिंध की तमाम शायराएं दोबारा ब्लॉक कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो हम कराची में सिंध असेंबली और सिंध सेक्रेटरीट और गवर्नर हाउस तमाम इलाकों का घेराव कर सकते हैं। सिंध के लोग, सिंध के लोगों को मत छेड़े, सिंध के लोगों को दीवार से लगाने की कोशिश न करें, सिंध मजामत करेगा, ये पिछले अदवार वाला सिंध नहीं है, खामोशी से सहेगा। और मैं सिंध असेंबली के आखिर में इराकीन से पूछ रहा हूं, बाबा वहां पीपल्स पार्टी जा एमपी आए हो या सिंध जा एमपी आए हो, आप किसके नुमाइंदा हैं? पीपल्स पार्टी के सिर्फ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, नेशनल असेंबली के मेंबर सिर्फ पीपल्स पार्टी के हैं और सेनेटर सिर्फ पीपल्स पार्टी के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी हैं और सिंध के भी हैं। आप वजाहत करें, आप में से कोई एक एमपीए नहीं बोला कि सिंध के, एक एमपीए, एक सेनेटर, एक एमएनए नहीं बोला कि सिंध की तकसीम का मुआहदा पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने कैसे किया। आज आप स्पीकर को वोट देने जा रहे हैं राजा परवेज अशरफ को, क्या कौमी असेंबली में कोई एक एमएनए उठ के खड़ा होगा जो बोले कि सिंध की सौदेबाजी हम रद्द करते हैं? तारीख में आपका नाम लिखा जा रहा है कि आपके अदवार में सिंध के यूनिट, सिंध की तकसीम और सिंध की सौदेबाजी की बात की गई और आप खामोश रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि सिंध के लोग इस तमाम साजिश मंसूबे सिंध के वहदत के खिलाफ हमले को रद्द करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।